अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दिस इज मी उरूज मलिक और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। जी हाँ दोस्तों, उनके बारे में मैं क्या ही आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या क्या बताऊं, क्योंकि वो उनके अंदर एक क्वालिटी नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मल्टी टैलेंटेड है, सिंगिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, शायरी भी करते हैं, कॉमेडी भी करते हैं, और इसके अलावा न जाने वो अपनी पर्सनालिटी में, अपनी रूटीन में क्या क्या करते हैं। लेकिन एक चीज़ से महरूम है, और वो किस चीज़ से महरूम है मैं आपको नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी, आप खुद देखें, हम उनसे बात भी करेंगे और मज़े मज़े की बातें भी जानेंगे। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगनू जी। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। जी तो जी, कैसे मैनेज करते हैं अपनी चीजों को? देखें, असल में जहाँ मेरी बात हो रही है, अगर मेरी नाबीने की बात हो रही है, मैं नाबीना हूँ, तो मुझे इससे कोई मतलब कोई इशू नहीं, अब फर्क नहीं पड़ता। मैंने इतने साल गुजार लिए हैं। जी जी, बस एक अंधेरा जो है ना वो मेरा साथी है। और ये एक आप पैदाइशी ऐसे हैं या कोई एक्सीडेंट ऐसा? हाँ बस पैदाइशी हूँ ना ऐसा, मतलब हाँ बचपन से मैंने जब आंख खोली तो खुली नहीं, मतलब अंधेरा ही देखा मैंने। मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना? अच्छे? अरे बहुत अच्छे। सीरियसली? चिकने लग रहे हैं आप। चिकना बोले ना बोले, देखिए मैं माइंड कर जाऊंगा, फिर मैं माइंड कर जाता हूँ ऐसी बातों पर। सॉरी सॉरी, आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा। बल्कि देखिए, अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगे ना जी, तो आप बुरा मत मानिएगा। ठीक है, शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बुरा मानता ही नहीं हूँ ना। अब देखे ना, मैं जिस माशरे में रहता हूँ ना जी जी, वहाँ के जो अभी लोग हैं ना यहाँ पर, उनकी आंखें हैं, ठीक है ना? अच्छा अच्छा। अब मेरी नहीं है। अच्छा अच्छा, सही है। तो अब 100 लोगों के बीच में मैं घूम रहा हूँ ना, तो मैं जब घूमता हूँ तो मेरी स्टिक जो यूं ही चलती होती ना, अच्छा, तो आगे मैं देखता हूँ खड्डा तो नहीं है, कोई अच्छा, बंदा तो नहीं है, कोई दीवार, जैसे अभी मुझे कुछ लगाना है यहाँ पे। स्टिक भी आपकी मुझे बहुत यूनिक सी लग रही है कुछ। हाँ ये यूनिक मैं बनाता रहता हूँ अक्सर। क्या झुककर? क्योंकि ये आपके साइज से थोड़ी कम लग रही है मुझे। झुककर क्या? झुक मतलब देख, अभी बैठा हूँ ना तो ये बैठने वाली है, अब खड़े होने वाली उधर रखी गई ना। अच्छा, तो हाँ ये कहाँ तक जाती है? ये मेरी मतलब ऐसे घूम रही फिर रही होती है। हाँ नहीं नहीं, मैं ये मेरा साथी है, मैं किसी को नहीं दे सकता। ये मैं दूंगा तो जब दूंगा, जब मेरा कोई जीवन साथी बनेगा तो फिर मैं साथ निकाल लूंगा। नहीं, लेकिन देखिए मैंने आपको देखा नहीं है, मैं इतना आपसे ना फ्री नहीं हो सकता। अभी जब तक मैं किसी को देख नहीं लूंगा ना, मैं मन की आंखों से देखूंगा। गाना याद आ रहा है, वो मैं गाना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल गाइए। दुख मेरे ले ले मैं सुख तेरे छीन लूं, दुख मेरे ले ले मैं सुख तेरे छीन लूं। बचपन से मुझे मतलब ना लोगों ने जितना मुझे चिढ़ाया और तंग किया ना, मैं इस लोगों, ये पूरे लोग जो है ना, वैसे तो कहते हैं दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, आप तो दूसरों के सुख छीनना चाहते हैं। बहुत मारा है लोगों ने, मैं आपको क्या बताऊं प्लीज। और तो मैं आपके इस तवस्सुस से ना चैनल के मैं माफी मांगना है, कोई गलत फहमी मुझसे हो गई तो उसके लिए मैं माजरा चाहता हूँ। और ये आप लोग भी थोड़ा एहतियात किया करें, थोड़ा ख्याल किया करें, वो देख नहीं सकते हैं। आप तो देख रहे हैं ना, ये उनको बोले ना। अब देखे एक मिसाल बता रहा हूँ, मैं रोड से जा रहा हूँ, अब सिग्नल तक जो है ना ऐसा लगाया है पाकिस्तान में, आवाज ही नहीं उसकी कोई, कि रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट। अब मुझे कैसे पता चले कि सिग्नल बंद है या खुला हुआ है, बताएं, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। तो ये देखना चाहिए, सिग्नल में आवाज होनी चाहिए, स्टॉप, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ओके वॉक, तो मैं जाऊं ना। अब क्या, बस लोगों को मैं किसी को बोलता हूँ भाई रोड क्रॉस करा दो यार, रोड क्रॉस करा दो। अब कोई अगर ऐसा बंदा होता है तो वो करा देता है, वरना मैं इधर से गिरता मरता पड़ता अपनी मंजिल पे पहुंचता हूँ। बस ये दुखी वाली बात ना करें, कोई अच्छी बात करें ना। अच्छा, खुशहाली। हाँ मल्टी टैलेंटेड हैं आप, तो शायरी भी करते हैं। हाँ शायरी करता हूँ। एक कोई शेर, देखिए शेर सुनाता हूँ मैं आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शेर सुनाऊँ आपको? बिल्कुल सुनाइए। ये जो तेरी काली जुल्फे हैं, ये जो तेरी काली जुल्फ, काली जुल्फे है ना आपकी, बिल्कुल खाली है ना, तो देखिए ये जो तेरी काली जुल्फे हैं, वाह वाह क्या जुल्फे हैं, मेरी भी घनी मूछे हैं। देखा आपने, काली से मैंने मैच किया ना, वजन को मैंने लिया है। ये जो आपकी काली जुल्फे हैं और ये मेरी घनी मूछे हैं, वजन के हिसाब से मतलब कैसे आप थोड़ा डिफाइन करेंगे इसको? मतलब खाना पीना, उसके अलावा भी जो मामला होते हैं सब वजन के हिसाब से। देखिए अब खाना पीने का जहाँ तक मामला है ना, वो तो मैं, एक होटल है हमारे पड़ोस में ना, तो उसको मैंने मंथली पे रख दिया है मैंने। अच्छा भाई, महीने का मैं तुम्हें पैसे दूंगा और मुझे खाना, बस मैं जब आऊँ मुझे खाना खिलाना है, तो वो मुझे खाना खिलाते हैं। और मैं जो मैंने आपको बताया ना, मैं स्ट्रीट पर मतलब सिग्नल पे कभी गाने गाता हूँ, कभी शेर सुनाता हूँ, लोग मेरी जेब में पैसे रख देते हैं ना। अच्छा अच्छा, तो बस मैं वो पैसे जितने मेरे पास होते हैं मैं उस होटल वाले के पास जमा कराता हूँ। लेकिन एक शर्त है मेरी उसके साथ, कि जिस दिन 2-3 लाख रुपए हो जाएंगे ना, तो तुम मुझे वापस दे देना यार, मैं शादी करूंगा।
अच्छा तो आपको लगता है वो इतना ईमानदार है वो आपको वापस दे देगा? हाँ हाँ ईमानदार है वो। तो कभी ऐसा है। भी तो हो सकता है कोई अल्लाह का नेक बंदा आपको आपकी जेब में जो है वो ज्यादा सारे पैसे डाल दे, लाइक 50,000 आपको कैसे पता चले? तो ईमान है 10-10 रुपए के नोट है। हाँ मैं तो यही समझता हूँ 10-10 के, लेकिन वो मुझे बताता है कोई 100 के 50 के भी होते हैं, इससे ज्यादा के उसने मुझे कभी नहीं बताया। तो लगेंगे 2-2.5 जिंदगियां लग जाएंगी मुझे लगता है कि हाँ बस। अच्छा मतलब आप इतना एक दिन में कितना कमा लेते हैं वैसे? कमाता नहीं हूँ ना मैं, बता रहा हूँ जो आप अपना जो टैलेंट शो करते हैं लोगों को उसके बदले में जो लोग खुश होकर आपको देते हैं तो जमा होने के बाद कितना हो जाता है वो? वो भी आजकल हो गई ना वो, उसको क्या बोलते हैं महंगाई। हाँ, तो मुझसे भी लूट लेते ना लोग, मुझसे पैसे लूटते ना, मोबाइल छीन लेते हैं। मोबाइल? आप मोबाइल यूज करते हैं? पता नहीं है ना आपको, ये महंगाई बढ़ी है ना तो ये लूटमार बढ़ गई है। अब मेरे पास एक मोबाइल था वो मुझे किसी ने दिया था कि मैं सुन के मैसेज ना वो बताऊंगा कि इसमें क्या आया है मेरे पास, तो मैं भी करता था। अब किसको करता था ये नहीं पूछना ठीक है। तो वो मुझसे लूट के चले गए, मैंने बोला भाई मैं अंधा हूँ, मैं खुद जो है कि ऐसे चल रहा हूँ, अंधे की लाठी तो दे दो, लाठी भी लेकर जाए। मैंने लाठी बचाई अपनी, लेकिन वो पैसे ले गए मेरे। फिर उन्होंने बताया मुझे, बोला ये महंगाई है और हम निकले हैं, महंगाई नहीं होती हम नहीं निकलते, तो ये कसूर उनका नहीं है, वो हुकूमत का कसूर है। हाँ। अच्छा अच्छा जी जी जी। तो ऐसी कौन सी आपकी जिंदगी में ऐसी चीज है जिसके बगैर आपका बिल्कुल गुजारा नहीं होता? देखा अभी आपने बहुत आसान सवाल किया मुझे, पता है ये जो है ना मेरे हाथ में, ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम पार्ट है और इम्पोर्टेंट है मेरे लिए बहुत, ये ना मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। अच्छा हाँ मैं कदम गिन के चलता हूँ, मैंने अपने घर में ना ये बताया हुआ है अपने को कि बस ये 4 कदम अगर मैं सीधे जाऊंगा वॉशरूम पहुंचूंगा, 4 कदम पीछे आऊंगा बिस्तर पे आ जाऊंगा, फिर 6 कदम साइड पे जाऊंगा बाहर का दरवाजा आ जाएगा, अगर 7 कदम मैं इस उल्टे सीधे हाथ में चला गया ना तो समझो मर गया। पूछो क्यों? क्यों? उधर गैलरी है ना, नीचे गिर जाऊंगा, 6th फ्लोर पे रहता हूँ। आपने ऐसा घर ही क्यों लिया गैलरी वाला? नसीब की बात है ना, मिल गया तो बस मैंने ले लिया, अंधा हूँ किसी ने बताया नहीं उधर गैलरी है, फिर मुझे बाद में पता चला एक बार मैं गिरने वाला था ना। हाँ अभी मैं ना शाहरुख खान की आपको ना थोड़ी एक्टिंग करके दिखाना। दिखाइए। अरे देखे बाबू जी ने कहा गाँव छोड़ दो, सब ने कहा पारो को छोड़ दो, बारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज आपने कह दिया कि ये हिस्ट्री की छोड़ दो, लगता है किसी दिन कोई आएगा और कहेगा ये चश्मा भी छोड़ दो। देखा देखा आपने? well done, well done. तो ये मैं करता हूँ ना, किस एक्टर की एक्टिंग कर लेते हैं आप? और जैसे कि ना शक्ति कपूर देखे, शक्ति कपूर? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने नहीं देखे वैसे, तो सुना है ना मैंने शक्ति का ना, तो फिर उनकी भी कर लेते हैं। राजा बाबू आएंगे, राजा बाबू ये वाला सुना है आपने? जी बिल्कुल। छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा भतीजा हूँ, आगे नहीं बोलूंगा फिर आपके वो चैनल में मसला हो जाएगा, आउ के बाद भी कुछ बोलता है ना, आउ सुना होगा आपने, मजेगा ना। अमिताभ बच्चन देखा आपने? जी, कौन बनेगा करोड़पति? जी जी बिल्कुल, हमारे जो है वो बॉलीवुड के बहुत सीनियर। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो उनकी भी मैंने एक बार ये प्रोग्राम देखा था, मतलब सुना था, देख तो सकता नहीं, तो उसमें वो कह रहे थे ना, तो इस वक्त आप कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बैठे हुए, कैसा लग रहा है आपको? देखा आपने? हाँ सुना ना आपने, मैं बाकी आपको मल्टी टैलेंटेड कहना। अब मैं आपके साथ एक खेलता हूँ ना गेम, तो आपका पहला उत्तर स्क्रीन पर जा रहा है ये। जी जी। अंधा क्या चाहे? ऑप्शन ए लाठी, ऑप्शन बी 2 आंखें, ऑप्शन सी 2 हाथ, ऑप्शन डी 2 बेगम। तो इसलिए अंधा तो 2 आंखें ही चाहेगा ना, इसका मतलब है लाठी नहीं चाहेगा, आंखें होंगी तो हैं बिल्कुल, और फिर बीवी भी नहीं चाहेगा 2। लेकिन ये ऑप्शन में 2 बीवियां मुझे समझ में नहीं आया भाई, मतलब एक चूज करना है ना, तो सही वाला कौन सा है आपकी नजर में? आंखें, मतलब बीवी ना हो, आप ये कह रही हैं मैं शादी के लिए इतना बेताब हूँ, आपको क्या आंखें होंगी तो बीवी मिल जाएगी ना, ऐसा होता है? एक औरत आई, मैंने उसको कहा ये आपकी मूछें एक नीचे हो रही है, मैंने तो ऐसे बोला, मैंने कहा थोड़ी बातचीत हो जाएगी, पर उसने पता है मुझे क्या थप्पड़ मारा उसने मुझे, बेशर्म बिल्कुल। क्यों? औरतों की मूछें नहीं होती? नहीं, सच बताएं नहीं होती मेरी, जो है मैं समझता हूँ औरतों की, मुझे एक मिनट टच में देखना। नहीं नहीं आप पीछे रहे पीछे रहे, देखिए मैंने कभी नहीं देखा, मुझे समझ में आ रहा है कि आपको चमाटे क्यों लगते हैं। अब नई बात है ना ये, तो मेरे लिए कि औरत की मुझ नहीं है, मैं तो होता हूँ आश्रय में कि कोई मुझे सहारा मिल जाए, इस लाठी से मुझे छुटकारा मिल जाए, तो बस ऐसा मेरी ख्वाहिश है कि मैं मतलब ऐसी लड़की देखूँ जो मतलब मेरे लिए बहुत मतलब अच्छी लगे, मुझे सब सब सबको अच्छी लगे वो, तो मेरी वो होगी ना, तो मैं एक अंधे के साथ इतनी खूबसूरत, जैसे वो नहीं सुनी आपने कहावत लंगूर के हाथ में अंगूर, हम तो देख नहीं रहे ना, तो आप तो देख रहे हो ना, तो हमारा तो कसूर नहीं है ना, कसूर आपका, तो आप आंखें खोल के चलो ना,
अब हवाएं होती हैं आगे तो हम खोल के चलते, और ये जो बार बार ये पीटते हो ना आप लोग, यार हमें तो अंदाजा ही नहीं है ना हम किसके धुम पे पांव रख रहे हैं, तो यार ख्याल करना भाईदा। हाँ नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस हवाले से अपना फीडबैक देना भी मत भूलिएगा। उरूज मलिक को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। ऑन एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।